मैं ऐसे रहता हूं जैसे 32 दांतों के बीच में जीव। इतना बढ़िया उदाहरण दिया, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये दांत और जीव तो भगवान ने सबको दिए हैं। आपने देखा होगा भोजन करते समय अन्न का कण, साग का तृण दो दांतों के बीच में फंस जाए तो जीव बार बार जाती है, कुरीदती है, निकल न जाए तब तक परेशान रहती, बार बार जाएगी, बार बार जाएगी। सोचना चाहिए समस्या तो दांतों की है, जीव को क्या परेशानी। पर साधुओं का भी स्वभाव ऐसे ही होता है, समस्या जगत की, परेशान संत। जब तक निकल न जाए तब तक चैन से नहीं बैठती। उमा संत कह, यह बड़ाई मंद करत जो करई भलाई। लेकिन इस जीव के प्रति दांतों का व्यवहार देखा आपने, भोजन करते समय ऊपर नीचे के दांतों के बीच में जीव आ जाए तो दांत ये ख्याल नहीं रखते कि इसने हमारा इतना भला किया है, दांत उसी को कुचलते हैं। विभीषण जी कहते हैं ये राक्षस दांतों की तरह है, हम जीव की तरह, ये हम इनका भला चाहते हैं, ये हमें कुचलते रहते हैं। हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी बताओ मुख में पहले जीव आई कि दांत। का जीव आई। अच्छा अंत तक कौन रहेगा, भरोसा किसका, जीव का कि दांतों का। का जीव का। दांतों का भरोसा नहीं, क्योंकि एक बार आए थे चले गए, तब से इनका कोई भरोसा नहीं रहा कब चले जाए। तो कहा जो पहले है और बाद तक रहेगी वह जीव है, और ये दांत तो बीच में आए बीच में ही जाएंगे, इनसे इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता। विभीषण जी बोले लेकिन दांत 32 हैं, जीव एक है। हनुमान जी ने कहा तो चिंता मत करो, जीव तो 32 दांतों का ऐसा बिगाड़ सकती कि कोई नहीं बिगाड़ सकता। कहा क्या बिगाड़ेगी। कहा जब दांत ज्यादा परेशान करने लगते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर जीव ही तो बोलती है कि डॉक्टर साहब अब ये दांत बहुत परेशान कर रहे हैं। अच्छा जीव डॉक्टर से शिकायत कर दे तब दांत बोल पाएंगे कि नहीं साहब हम 32 हैं, हमारा बहुमत है और हमारी सुनो और इसकी नहीं, नहीं हो सकेगा। डॉक्टर क्या करता है, अपना औजार उठाता है और एक एक करके सब दांतों को निकाल कर बाहर कर देता है। अच्छा मुख में एक भी दांत ना रहे तो राज्य किसका, जीव का। फिर चाहे जान डोले, कोई रोकने वाला नहीं है। हनुमान जी ने कहा विभीषण जी आप जीव की तरह हैं और राक्षस दांतों की तरह, चिंता मत करो, कुछ दिन में ही डॉक्टर साहब आने वाले हैं। कौन का, श्री राम जी, और यहीं समुद्र किनारे शिविर लगेगा। आप तो चले चलना, एक बार शिकायत कर देना, अगर एक भी दांत बच जाए तो हमसे कहना, और मुख में एक भी दांत नहीं बचेगा।